हेलो बच्चों, लेक्चर नंबर तीसरा है ये। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का एसएल अरोड़ा कवर कर रहे हैं। थ्योरी सब में सेम है भाई, कॉन्सेप्ट देखो, आप मज़े लो, वीडियो देखो अच्छे से। अगर आपने इससे पहले दो लेक्चर नहीं देखे तो उन्हें देख लो, क्योंकि भाई कॉन्सेप्टों से भरे हुए हैं सब कुछ। जो भी आपको दे रखा है एसएल के अंदर सब कुछ कवर कराया हुआ है, तो मज़ा आएगा। अगर आपने सारे लेक्चर कवर कर लिए तो भाई आपके पूरे में से पूरे मार्क्स आएंगे 100%, अगर आप लोग सच में दिल से मेहनत कर रहे हैं तो। इस लेक्चर को देख लेते हैं जल्दी से फटाफट, उससे पहले मैं यार फ़ैन ओपन कर दूँ, गर्मी लग रही है। ठीक है भाई, आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। ये क्या होती है और क्या इसका डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इसमें IIT तक में क्वेश्चन बना। कंपेयर करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को और ग्रेविटेशनल फोर्स को, बहुत कॉमन सा कंपेरिजन है। और इससे अगला देखेंगे फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, मतलब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के दे रखा, दिमाग कंफ्यूज कर देगा, इतना लंबा चौड़ा इसका दे रखा होता है डेरिवेशन टाइप का। लेकिन हम लोग बड़े सिंपल वे में पढ़ेंगे और आसान पढ़ेंगे, और एक्चुअल में हमें उतना पढ़ना है। देखो ये डायरेक्ट तो पूछा नहीं जाएगा, इसका यूज़ होगा, इसका इस्तेमाल होगा, इसके न्यूमेरिकल्स हैं, तो आपको इस तरीके से बता दूंगा कि आपको दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी। तो चलिए, पहला आपके पास क्या है, पहला था आपके पास डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इट मीन्स यहां पढ़ेंगे आप रिलेटिव परमिटिविटी। परमिटिविटी डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट को आप क्या कहते हो, रिलेटिव परमिटिविटी। अब ये डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता क्या है, जैसे कि मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो फोर्स होता है ना, फोर्स दो चार्जेस के बीच में, ये मीडियम पर डिपेंड करता है। मैंने कहा था कि मैं डिस्कस करूंगा अलग से भाई मीडियम के बारे में, तो भाई वो मीडियम अब डिस्कस होगा। अब मैं ये देखूंगा कि दो चार्ज हैं, उनके बीच में कुछ दूरी है, और इनको मैंने पहले हवा में रखा, अब इनको उठाकर फिर मैं रखूंगा किसी मीडियम के अंदर, और मैं ये चेक करूंगा दोनों कंडीशन में कि फोर्स पर क्या फर्क पड़ेगा। तो एक्चुअल में यहां पर निकल कर आती है डेफिनेशन ऑफ परमिटिविटी की, और परमिटिविटी होती क्या, सॉरी परमिटिविटी रिलेटिव परमिटिविटी की, जिसको आप कहते हो डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। तो रिलेटिव परमिटिविटी की डेफिनेशन बनती क्या है, ये डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की, क्या होता है डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट मैंने लिख तो दिया है, लेकिन आंखों में आंखा डालकर समझाना चाहूंगा पहले। डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता क्या है, देखो डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट जो होता है ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। अब ये मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जिससे ये मटेरियल ये डिसाइड करेगा, इसे ये हक है डिसाइड करने का कि दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगवाएगा। तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल विच डिटरमाइंस द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस दैट इज प्रेजेंट इन दैट मीडियम। आई होप आपने मेरी बात समझ ली होगी। तो इस बात को मैं लिख देता हूं, इट इज द प्रॉपर्टी, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम विच डिटरमाइंस द फोर्स बिटवीन टू चार्ज दैट आर प्रेजेंट इन दैट मीडियम। जो मैंने बोला वो मैंने लिखा, ठीक है भाई। अब बात आती है इसको प्रूफ करने की, प्रूफ कैसे करेंगे भाई इसको। तो मैं दो चार्ज बना लेता हूँ, एक चार्ज आपके पास ये है और एक चार्ज आपके पास ये है। लेट अस से कि ये Q1 है और ये Q2 है, एंड दोनों के बीच का सेपरेशन लेट अस सपोज कि ये R है, ठीक है। तो मैं क्या कहूँगा, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्ब के अकॉर्डिंग इन दोनों के बीच लगने वाला जो फोर्स होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा। अभी मैंने ये ले रखा कि ये एयर में है, तो मैं एयर या फिर वैक्यूम में कहता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि फोर्स एयर में कितना लग रहा होगा। तो आप जो परमिटिविटी लेंगे वो एयर की लेंगे, 1/4π, जो आप परमिटिविटी आएगी वो एयर की आएगी, दैट इज एप्सिलॉन नॉट। और इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स आप निकालोगे तो इन दोनों के चार्जेस के
मल्टीप्लीकेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शन और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शन। इक्वेशन नंबर 1 ये आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब इनको आप रख रहे हो मीडियम में, इफ दीज फोर्सेस नाउ कैप्ट इन मीडियम। अब आपने इनको मीडियम में रख दिया तो आप लिखोगे एफ मीडियम, तो ये हो जाएगा 1/4 pi एप्सिलॉन, नोट कीजिएगा। अब आ जाएगा एप्सिलॉन, ये मीडियम का होता, मीडियम की परमिटिविटी, और ये Q1 ऐसे ही, Q2 ऐसे ही, और डिस्टेंस का स्क्वायर ऐसे। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। आपके पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब आप इसको क्या करोगे, आप इनको डिवाइड कर दो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इन दोनों इक्वेशन से आप बात कर रहे हैं, बात करो, क्या बात करेंगे, बात करेंगे क्या बात करेंगे, तो आप बात ये करेंगे कि एफ एयर को आप जो डिवाइड करेंगे वो एफ मीडियम से डिवाइड करेंगे। किसी को भी किसी से कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़े। तो एफ एयर ये कितना था, 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सिमिलरली एफ मीडियम क्या होगा, आप रखोगे 1/4 pi, यहाँ एप्सिलॉन चलेगा, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इस पूरी टर्म से ये पूरी टर्म कट गई, 1/4 pi से 1/4 pi कट गया, तो जो ऊपर बचा उसे आपने लिख लिया, क्या बचा, 1/ε0। और जो नीचे बचा उसे आपने लिख लिया, नीचे क्या बचा, 1/ε। जब इसे आप तमीज़ के साथ लिखोगे तो आप कहोगे इसको 1/ε0, और ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, तो ये ε/1 इस तरह से, तो ये आ जाएगा ε/ε0। जब आप मटेरियल की परमिटिविटी को एयर की परमिटिविटी से डिवाइड कर देते हैं तो ये बन जाती है रिलेटिव परमिटिविटी। आई होप आपने मेरी बात समझ ली। तो ये रिलेटिव परमिटिविटी है, इसका मतलब एफ एयर अपॉन एफ मीडियम ये आ चुका है ε/ε0, जिसको आप के भी कहते हो, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। ठीक है भाई, तो यहाँ से डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के आ गया। अब जब भी मैं यहाँ से मीडियम में फोर्स निकालूंगा, जब भी मैं मीडियम में फोर्स निकालूंगा तो के आ जाएगा नीचे, मतलब एफ एयर अपॉन के हो जाएगा। क्या आपने मेरी बात समझी, समझ ली? तो इसका मतलब जब भी आप मीडियम में फोर्स निकालोगे तो एयर के फोर्स को के से डिवाइड कर दोगे। तो पता लग रहा है कि मीडियम में फोर्स क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि के की वैल्यू मीडियम की बहुत हाई होती है। जैसे कि के फॉर एयर, तो एयर के लिए के की वैल्यू कितनी होती है, 1। ऐसे ही के फॉर वाटर, वाटर के लिए के की वैल्यू जो होती है वो होती है 80। अब आप इससे ही पता लगा सकते हैं कि अगर मैंने हवा में, तो होता के की वैल्यू 1, अगर मैंने हवा से उठा के चार्जेस को हवा में से उठाकर अगर पानी के अंदर ड्रॉप कर दे तो पानी के अंदर 80 होता है के। तो इसका मतलब जो फोर्स होगा मीडियम में वो एयर का 80 गुना कम हो जाएगा। इसका मतलब भाई ये हुआ कि इफ क्वेश्चन नंबर, इफ के इज 80, फोर्स जो है वो एयर के अंदर वो है 80 न्यूटन, तो हमसे कह रहा है फोर्स मीडियम के अंदर बताओ। तो जरा हिसाब लगाओ, एफ मीडियम आपको निकालना, तो ये हो जाएगा एफ एयर अपॉन के। एफ एयर आपको दे रखा है कि भाई 80 न्यूटन है, और के की वैल्यू भी आपको 80 दे रखी है, तो 80 से 80 काटोगे तो कितना हो जाएगा, 1 न्यूटन। तो इसका मतलब मीडियम में फोर्स कितनी आई भाई साहब, 1 न्यूटन। बताओ एयर के अंदर फोर्स है 80 न्यूटन और मीडियम के अंदर कितनी है, 1 न्यूटन, तो 80 गुना फोर्स कम हो गई। अब यही रीजन है जब NaCl को जैसे लिक्विड के अंदर डालते हो तो NaCl के बीच में जो बॉन्ड पाया जाता है उसको आप इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहोगे, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है उनके बीच में। लेकिन जैसे ही आप इसके अंदर डालते हो तो इन दोनों आयंस के बीच में फोर्स बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये दोनों आयंस आपस में टूट जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि फोर्स जो है 80 गुना कम हो जाएगी भाई। इसीलिए जो है ना ये NaCl सॉल्ट लिक्विड के अंदर ड्रॉप करने पर ये अपने आयनिक फॉर्म में आ जाता। तो भाई आपको पता लग गया एफ एयर और एफ मीडियम। तो यहां से अगर परमिटिविटी की डेफिनेशन बनाओगे तो एक और बन जाएगी क्या,
रिलेटिव परमिटिविटी और डायलैक्टिक कॉन्स्टेंट इज द रेशियो ऑफ द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस दैट आर प्रेजेंट इन एयर विद द फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस व्हेन प्लेस इन मीडियम. तो आप इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो, वरना ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है जो ये डिसाइड करती है कि उसे फोर्स कितना लगवाना कि नहीं दो चार्जेस के बीच में. आई होप आपने ये समझ लिया होगा. तो आज हमारा ये वाला टॉपिक भी खत्म हो गया, पहला वाला इम्पोर्टेंट था. अब हम कंपेयर करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को और ग्रेविटेशनल फोर्स को, ठीक है. इनमें कंपेयर का मतलब ये है सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी देखेंगे. ये बहुत लंबी छोड़ी कोई कैलकुलेशन करके नहीं देखेंगे, जितना आपका काम का है उतना देखेंगे. दूसरा क्या है, कंपेयर ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स किसके साथ, जल्दी से बताओ किसके साथ, कूलॉमिक फोर्स जिसको आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हो. पहले तो इनके अंदर सिमिलैरिटी की बात कर लेते हैं. सिमिलैरिटी दोनों के अंदर क्या सिमिलैरिटी है, तो पहली सिमिलैरिटी की बात करते हैं. सिमिलैरिटी दोनों के अंदर सिमिलैरिटी क्या है, पहली सिमिलैरिटी कि दोनों ही जो है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं. कैसे भाई, आपको पता ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो होती है जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर. देखो एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. और आपने कूलॉमिक फोर्स तो पढ़ रखी है, एफ इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर. तो ये भी देखो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है. तो आप कह दोगे बोथ फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लो, मतलब फोर्स जो है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल. पहला तो ये है. दूसरी सिमिलैरिटी आप ये बना दो जल्दी से, दोनों ही सेंटर्ड फोर्स हैं. कैसे, सेंटर टू सेंटर एक्ट करती हैं. तो आप लिख दोगे बोथ आर सेंटर्ड फोर्सेस. दोनों सेंटर्ड फोर्स है. तीसरी, दोनों सेंटर्ड फोर्स हो गई. अच्छा तीसरा कौन सा है, तीसरा ये हो जाएगा बोथ आर कंजर्वेटिव फोर्सेस. अब दोनों ही कंजर्वेटिव नेचर की होती है. कंजर्वेटिव फोर्स किसको कहते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स वो कहते हैं भाई जब आप वर्गडन करवाते हो फोर्स के थ्रू, तो वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है, वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता, तो वो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों कंजर्वेटिव इन नेचर हैं. ये वाली बात भी आप समझ करके चल रहे हैं कि भाई ये कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं. इसमें और क्या पॉइंट बनाया जा सकता, ठीक है भाई. ये वाली बात होने के साथ साथ इसमें एक चीज़ और देखो, यहाँ पर जो फोर्स है वो मास के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पर फोर्स जो है वो चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. बोथ फोर्सेस आर प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड मास. तो एक में चार्जेस चल रहा है और एक में मासेस चल रहे हैं, है ना, सिमिलैरिटी हो गई. तो ये सिमिलैरिटी थी. इसके बाद डिससिमिलैरिटी क्या है, तो ये आ जाएगी डिससिमिलैरिटी. ये क्या होगा भाई, मतलब दोनों में क्या अलग अलग है. अलग अलग ये है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, इंपॉर्टेंट तो ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी होती है और रिपल्सिव भी होती है. लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ये हमेशा अट्रैक्टिव होती है. तो ये वाला आपका डिससिमिलैरिटी हो जाएगी. क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर, बट इलेक्ट्रो स्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव इन नेचर.
तो ये मेन डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। दूसरा मेन डिफरेंस ये है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो मीडियम पर डिपेंड नहीं करती, मीडियम कितने भी आ जाए ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है तो लग रही है। जैसे कि सन जो है वो अर्थ पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाए हुए, बीच में है ही नहीं मीडियम, हवा है ही नहीं मीडियम, कोई से किसी भी तरह का है नहीं, वैक्यूम है। लेकिन अगर आप बात करोगे तो मीडियम पर डिपेंड नहीं कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन अगर आप बात करोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, तो अभी जस्ट आपने पढ़ा है इससे पहले वाला टॉपिक कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है वो मीडियम की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करती है, मतलब डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट पर डिपेंड करती है। तो इट मीन्स ये तो मीडियम पर डिपेंड करेगा लेकिन ऊपर वाला मीडियम पर डिपेंड नहीं करेगा। तो आप ये वाला पॉइंट भी लिख देंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स doesn't depend the nature of the medium but electrostatic forces कह दो, ये फोर्स का तो डिपेंड्स ऑन मीडियम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होते हैं वो मीडियम पर डिपेंड करते हैं। तो ये वाला हो गया आपका, बस यही सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी है। और ये वाला पॉइंट भी आप लिख सकते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये वाला पॉइंट भी लिख सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है बहुत बड़ा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होते हैं एज कम्पेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये स्ट्रॉन्ग फोर्स हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये वाला भी आपने पॉइंट लिख दिया। तो अभी आपने दो पार्ट कर लिए भाई इस लेक्चर के, आपने पहला पार्ट कर लिया, दूसरा पार्ट कर लिया, अब तीसरे पार्ट की देख रहे हैं, फोर्सेज बिटवीन मल्टीपल चार्जेस एंड सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। तो फोर्सेज बिटवीन मल्टीपल चार्जेस सुपर पोजिशन प्रिंसिपल देख लेते हैं। फोर्सेज बिटवीन मल्टीपल चार्जेस सुपर पोजिशन प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं हम, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए नहीं कि प्रिंसिपल पूछा जाएगा, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस कॉन्सेप्ट के ऊपर न्यूमेरिकल बहुत भरा हुआ भाई, न्यूमेरिकल बहुत है, आप खुद देख लेंगे न्यूमेरिकल बहुत है इस पे। तो हम इसलिए इसको पढ़ेंगे तमीज से, और इतना पढ़ेंगे कि न्यूमेरिकल तो बचेगा ही नहीं, 100% श्योरिटी दे रहा हूं। देखो कैसे, मैं बुक के तरीके से नहीं बताऊंगा, पहली बात है ना, बुक में थोड़ा लंबा दे रखा तो मैं अपने हिसाब से बताऊंगा, लेकिन इतना जरूर है कि भाई न्यूमेरिकल नहीं बचेगा आपका। चलो भाई पहली बात तो इसको पढ़ लेते हैं, सुपर पोजिशन कहते किसको है। सुपर पोजिशन, लेट अस सपोज कि आप एक चार्ज पार्टिकल हो और आपके चारों तरफ बहुत सारे चार्ज पार्टिकल रखे हुए हैं, और ऐसा मानते हैं कि वो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे पर फोर्स नहीं लगा रहे, वो सारे के सारे आप पर फोकस किए हुए हैं, तो वो सभी आप पर फोर्स लगा रहे होंगे। तो उन सभी फोर्सेस का वेक्टर सम कर लो, तो जो आप पे निकल कर आया वो नेट होगा। फिर जाहिर सी बात है, उन जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं आप पे, तो आप उनका क्या कर रहे हो, वेक्टर सम कर रहे हो। तो ये वेक्टर सम ही कहलाता सुपर पोजिशन। क्या कहलाता? सुपर पोजिशन। तो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल की डेफिनेशन क्या, द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल when it is placed in a system of charge particles, it means F जो होगा, F नेट जो होगा वो F1 वेक्टर, F2 वेक्टर, ऐसा मान लेते हैं कि इतने फोर्सेस लग रहे हैं FN वेक्टर के, तो वेक्टर सम।
द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल व्हेन इट इज प्लेस इन अ सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स. जब चार्ज को आपने सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल के अंदर रख दिया तो भाई सब इस पर फोर्स लगा रहे होंगे, तो उन सभी फोर्सेज का वेक्टर सम निकाल लो आप, ये कहलाएगा आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. ठीक है भाई, ये इंपॉर्टेंट है भाई ये वाला. अब इसको देखो कैसे करेंगे, इसको थोड़ा सा देख लो. लेट अस सपोज कि आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये वाई एक्सिस है और ये आपके पास एक्स एक्सिस है और ये आपके पास ओरिजिन है. अब लेट अस सपोज कि ओरिजिन की रिस्पेक्ट में आपके पास एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, ये ओरिजिन की रिस्पेक्ट में एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, ऐसा मान लेते हैं ये दो चार्ज पार्टिकल रखे हुए हैं. और लेट अस सपोज कि ये दो चार्ज पार्टिकल तो रखे हुए हैं लेकिन एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है यहां. लेट अस सपोज कि ये क्यू वन है, लेट अस सपोज कि ये क्यू टू है और ये क्यू थ्री है और ये सभी पॉजिटिव हैं, ऐसे मैं मान के चल रहा हूं. अभी मैंने क्या से क्या देखा या फिर क्या पढ़ाया आपको, मैंने ये कहा कि किसी भी अगर एक पर आप फोर्सेस निकालना चाह रहे हो, नेट फोर्स निकालना चाह रहे हो, तो बाकी जितने भी चार्ज हैं उस पर कितना फोर्स लगा रहे हैं बस उसको देख लो, उनका वेक्टर सम कर लो. तो मैं वही करूँगा, मैं कहूँगा कि इसका जो पोजीशन है, पहला इसका पोजीशन लिखूँगा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में. लेट अस सपोज कि ये आर टू पोजीशन है इसका, इसका पोजीशन लेट अस सपोज कि आर थ्री है और इसका पोजीशन कितना है आर वन है. ये तो आपने इनके पोजीशन वेक्टर बता दिए. आप कहोगे कि यार आपका और फिर बुक का क्या अलग है, तो मैं ये कहूँगा भाई अभी तक समझ में तो आ रहा है ना, ये वाली बात इंपॉर्टेंट है. अब देखो ये इस पर फोर्स लगाएगा क्योंकि मैं इस पर कैलकुलेशन करना चाह रहा हूँ कि इस पर कितने फोर्स लग रहे हैं. तो एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, ये दो फोर्स लगा रहे होंगे. इसके अगर फोर्स की डायरेक्शन देखूंगा तो ये होगी, ये इस पर इस तरह से फोर्स लगा रहा होगा. तो मैं ये कहूँगा कि चार्ज वन पर लगने वाली फोर्स दो की वजह से वो ये गई. क्या मेरी बात समझ में आई आपको, आ गई होगी. इसी तरीके से मैं इसका फोर्स देखूंगा, इसका फोर्स देखूंगा, कलर चेंज कर लो. मैं ये देखूंगा कि Q3 जो है इस पर फोर्स लगा रहा होगा क्योंकि ये भी प्लस का ये भी प्लस के, तो रिपल्सन रिपल्सिव फोर्स ये होगी. तो मैं ये कह रहा हूँ कि Q3 ने फोर्स लगाई है ये, तो ये आपके पास हो गई वन पर लगने वाली फोर्स तीन की वजह से और ये ऊपर की तरफ को गई है. ठीक है, ऐसा लग रहा है दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो इस म्यूचुअली परपेंडिकुलर का सिस्टम भी खत्म कर देता हूँ. लो अभी रुको सबर कर लो थोड़ा. ऐसे लग रहा है ना म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो भाई परपेंडिकुलर का सिस्टम भी लो अभी खत्म हो जाएगा, एक सेकंड का काम है मेरा. तो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर का सिस्टम जो लग रहा है ना इसको भी खत्म कर देते हैं, क्योंकि सोचोगे कि यार ये तो परपेंडिकुलर लगेगा, ओ ओ, ओ मजा आ जाएगा, लेकिन नहीं भाई मैं ऐसे लेकर चल रहा हूँ. अब देखो इसने इस पर फोर्स लगाई कुछ इस तरह इस डायरेक्शन में, अब तो नहीं लग रहा ना म्यूचुअली परपेंडिकुलर. ठीक है भाई, ये आपके पास चार्ज पार्टिकल था, तो ये फोर्स लगी वन पर किसकी वजह से, तीन की वजह से, इसकी डायरेक्शन किधर को है, ऊपर को है. अब इस पर दो फोर्सेस लग रही हैं, एक इधर को लग रही है एक इधर को लग रही है, तो नेट फोर्स कैसे निकलेगी. आपने वेक्टर पढ़ लगे इलेवंथ में बहुत अच्छे से, नहीं पढ़ लगे तो आप मेरी इलेवंथ वाली वीडियो देखें. लेट अस सपोज कि ये इनका रिजल्टेंट है, तो रिजल्टेंट जो होगा वो इन दोनों वेक्टर का होगा, ये निकल कर आ गया. कि आपने मेरी बात सारी बातें बारीकी से समझ ली, अगर समझ ली तो फिर खत्म हो चुका है सुपर पोजिशन. ठीक है, अगर मैं ये कहूँगा कि इसने फोर्स इस पर लगाया था इस तरफ को, तो मुझे बताओ डायरेक्शन वेक्टर मतलब यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास आर कैप दो से वन की तरफ को. इसी तरह से इसका जो हो जाएगा ये हो जाएगा आर कैप तीन से एक की तरफ को. ठीक है भाई, बस सिंपल सा केस है. अगर आपने वेक्टर पढ़ लिखे हों अच्छे से, तो यूनिट वेक्टर का मतलब ये होता है इनकी हेड भी बनाए जाते हैं. हेड बनाने के बाद अब आप जो है ये देखें, एक वेक्टर ये लग रहा है, एक वेक्टर ये लग रहा है और एक वेक्टर ये है, तो ये वैल्यू कितनी निकल कर आएगी. अगर इसको मैं देखूँगा तो ये वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, तो इस वैल्यू को कैलकुलेट करोगे ना इन इन द फॉर्म ऑफ वैक्टर आर टू वन वैक्टर, तो ये वैल्यू निकल कर आएगी. देखो ये जो आएगा इसमें से इसको माइनस कर दो, क्योंकि आपको पता है ट्रायंगल लो आपने पढ़ रखा होगा, इसका और इसका रिजल्टेंट जो है वो ये है, तो इसका मतलब
ये वाला वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर इसके बराबर है, जब मुझे ये निकालना तो इसमें से इसको माइनस कर दूँ तो ये हो जाएगा आर वन वैक्टर माइनस आर टू वैक्टर। ये आपका हालांकि, अरे ये क्या हो गया, हालांकि ये इलेवंथ का पार्ट है लेकिन फिर भी समझ लो, आर वन वैक्टर माइनस आर वन वैक्टर में से आर टू वैक्टर को माइनस कर दो, ठीक है। इसको इतना डीपली समझ लो, समझने की जरूरत ना, बस एक समझाऊंगा आपको, बाकी आप सब खुद कर देंगे। तो आपके पास अब आप नेट निकाल लो, नेट फोर्स जो है, लेट अस सपोज कि ये एफ है और इसकी डायरेक्शन आपने बता रखी, तो इसका मतलब ये एफ फोर्स जो है बाई बाय द लॉ ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है भाई, आपके पास एफ जो होगा वो एफ एफ वन टू प्लस एफ वन थ्री के वेक्टर सम के बराबर होगा, होगा या नहीं होगा, बस इतना था। सुपरपोजिशन ये खत्म हो गया। अब किसी एक को सॉल्व करके देखो, बस किसी एक को सॉल्व करके देख लो ताकि आप लोगों को निकालने के लिए भी आ जाए। एफ वन टू को सॉल्व करो, जब आप एफ वन टू को सॉल्व करोगे तो वन पर लगने वाली फोर्स दो की वजह से, तो आपके पास ये हो जाएगा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये है क्यू वन क्यू टू, क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस है आर टू वन, आर टू वन इसका स्क्वायर, और यहाँ पर लगा दोगे आप डायरेक्शन वेक्टर जिसकी वैल्यू है आर टू वन। इसको और सॉल्व करोगे तो आप ये, आपके पास ये निकल कर आ जाएगा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन, इसको जब आप लिखोगे ना वैक्टर फॉर्म में तो ये हो जाएगा आर वन वैक्टर माइनस आर टू वैक्टर। अब चूंकि मैग्नीट्यूड है तो भाई मैग्नीट्यूड और उसका स्क्वायर, इसको भी आप वेक्टर फॉर्म में तोड़ लो तो इसको आप कहोगे आर टू वन वैक्टर और इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड तो भाई यही होगा। इसको और आगे देखो एफ टू वन वैक्टर, बस लास्ट लाइन शाबाश, बस लास्ट लाइन और झेल लो, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन ये। अब देखो ये आर टू वन जो है, आर टू वन ये भी अगेन आर वन माइनस आर टू का मैग्नीट्यूड है, तो ये भी और ये भी सेम थे, तो ये हो जाएगा आर वन माइनस आर टू का मैग्नीट्यूड और उसका भी क्यूब। तो इस तरह से आप सारे फोर्सेस को देख लेंगे, फिर उन सब फोर्सेस को आप डायरेक्ट इसमें लिख देंगे, जोड़ देंगे, बस आपके पास हो जाएगा सुपरपोजिशन। तो सुपरपोजिशन से आपने क्या सीखा, सुपरपोजिशन से आपने क्या सीखा मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। लेट अस सपोज कि इन दोनों के बीच एंगल कितना बना थीटा, तो मैं आपको बताता हूँ बाई सुपरपोजिशन दो कितना सटीक इसका यूज़ है। नोट में मैं नोट में लिखवा देता हूँ सुपरपोजिशन दो कैसे इस्तेमाल करोगे आप। लेट अस सपोज मैं एक सेपरेशन बना देता हूँ, वहाँ भी बताऊँगा यहाँ भी बताऊँगा। नोट कि आपके पास ये दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक एफ वन लग रहा है और एक एफ टू लग रहा है, और इस पर लग रहे हैं और इसका नेट है वो है एफ। तो ये जो एफ है ना, एफ वेक्टर फॉर्म में दिखाओ और थोड़ा थोड़ा बड़ा बनेगा ये, यहाँ तक एफ वेक्टर जो है ना ये एफ वन प्लस एफ टू के बराबर होगा। लेट अस सपोज कि इनके बीच एंगल थीटा है, तो बताओ आप अब दो वेक्टर को कैसे सॉल्व करते हैं। तो पैरेललोग्राम लो लगा दोगे आप वेक्टर का, वो क्या होता, वो ये होता है कि भाई रिजल्टेंट जो होता है वो इन दोनों वेक्टर के एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर, देखो याद आ गया होगा, प्लस टू एफ वन एफ टू कोस थीटा, और थीटा ही दे रखा इस तरह से। अब देखो यहाँ से मैं कुछ और नोट निकालता हूँ, आप कहोगे यार नोट पर नोट लिखते जा रहे हो। तो पहला नोट तो ये है कि लेट अस सपोज कि दो वेक्टर आपके म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं एफ वन और एफ टू, तो इनका रिजल्टेंट कहीं ना कहीं इधर से निकल कर जाएगा, ये इनका रिजल्टेंट, रिजल्टेंट को आप एफ कहो। तो जब एफ का आप मैग्नीट्यूड निकालोगे, तो जब एफ का आप मैग्नीट्यूड निकालोगे तो वो ऐसे ही निकालोगे एफ वन का स्क्वायर प्लस एफ टू का स्क्वायर, लेकिन जब आप टू एफ वन एफ टू कोज 90 डिग्री रखोगे, क्योंकि इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल देखा जाता, जब 90 रखोगे तो कोज 90 की वैल्यू हो जाती है जीरो, जीरो का मतलब यह है कि पूरी टर्म जीरो हो गए, तो ये यहीं रुक जाता। तो आप इस तरह से आप इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लोगे। दूसरा नोट क्या हो जाएगा, दूसरा नहीं भाई तीसरा नोट है कि अगर दो वैक्टर हैं, लेट अस सपोज कि उनका मैग्नीट्यूड भी सेम है एफ एफ, और दोनों के बीच में 120 डिग्री एंगल बन रहा, तो जो इनका रिजल्टेंट निकल कर आता है, जो इनका रिजल्टेंट निकल कर आता है, रिजल्टेंट भी भाई, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी एफ होता है।
लेट अस सपोज कि मैं इस मैग्नीट्यूड को, रिजल्टेंट को मैं आर कह दूं यहां पर स्पेशली, तो देखो कैसे निकालोगे आप. आप कहोगे आर इज इक्वल टू एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर प्लस का टू एफ इंटू एफ कोस. भाई ये चलते हुए स्टॉप हो गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया कैमरे को, तो चलो यहां से समझ लो इस तरह से. तो ये हो जाएगा एफ स्क्वायर प्लस का टू एफ इंटू एफ कोस 120. कोस 120 की वैल्यू माइनस का 1 अपॉन 2 होती है, तो माइनस 1 अपॉन 2. अब 2 से 2 कट जाएगा, ये माइनस 1 एफ स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके माइनस एफ स्क्वायर. 2 एफ स्क्वायर में से एक एफ स्क्वायर निकालोगे तो बचेगा एफ स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, रिजल्टेंट आ जाएगा एफ. तो ये हमेशा याद रखना, क्योंकि बहुत जल्दी आंसर लग जाएगा आपका, क्योंकि आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करोगे, नीट की तैयारी करोगे, आईआईटी की तैयारी करोगे, तो भाई आपको पता होना चाहिए कि जब दो वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, और एक दूसरे से 120 डिग्री के एंगल पर लग रहे होते हैं, तो जो रिजल्टेंट होता है वो उन दोनों के मैग्नीट्यूड में से किसी एक के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है. आपने देख लिया रिजल्टेंट भी एफ के बराबर ही आया. तो इस तरह से आप देख सकते हैं, और ये भी देख सकते हैं आप अगले नोट में. क्या अगर आपको दिखाई दे रहा है कि दो वैक्टर जो हैं वो सेम डायरेक्शन में लगे हुए हैं, एफ वन भी इधर को लगा हुआ है और एफ टू भी इधर को लगा हुआ, तो जाहिर सी बात है यार जो नेट हो जाएगा वो इन दोनों को जोड़ो एफ वन प्लस एफ टू. देखो सारे वेक्टर के साथ तो आपको ये करना ही है, लेकिन जब आप मैग्नीट्यूड का मसला करते हो तो वो आता है फिर स्क्वायर रूट में. पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस टू इंटू पहला वाला इंटू दूसरा वाला और कोस. अब आता है एंगल. जब दो वेक्टर एक ही दिशा में होते हैं तो इनके बीच एंगल जो होता है वो जीरो डिग्री होता. क्या होता है? जीरो डिग्री. तो ये हो जाएगा कोस जीरो. अब आपको वैल्यू पता होनी चाहिए. बताओ ये कितना हो जाएगा? एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर. कोस जीरो की वैल्यू होती है वन, तो ये हो जाएगा टू एफ वन एफ टू. तो ये अल्टीमेटली निकल कर आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर एफ वन प्लस एफ टू का होल स्क्वायर. स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो एफ जो निकल कर आ जाएगा वो आ जाएगा एफ वन प्लस एफ टू. तो इस केस में जो रिजल्टेंट आएगा वो जुड़ जाएगा दोनों ही फोर्सेस को. आप जब दो फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहे होंगे तो भाई दोनों फोर्स क्या होंगे? आपस में जुड़ जाएंगे. इसमें एक ये भी ले लो कि लेट अस सपोज कि एक चार्ज पार्टिकल ये है, उस पर फोर्स लग रहा है एक इधर को और एक फोर्स लग रही है इधर को, और दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री. जब इस केस में आप आर नेट की बात करोगे, रिजल्टेंट की बात करोगे, तो भाई वो ज्यादा वाले में से, पहली बात तो आप इसको ऐसे लिखो एफ वन प्लस एफ टू, ठीक है. तो आर जब मैग्नीट्यूड का जिक्र आएगा तो आप ये कर दोगे, और इसको कर दोगे आप एफ वन का स्क्वायर प्लस एफ टू का स्क्वायर प्लस टू एफ वन एफ टू कोस. अब कितना करोगे? कोस 180 डिग्री. तो यहां से रिजल्टेंट कितना निकल कर आ जाएगा? एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर प्लस का टू एफ वन एफ टू कोस 180 की वैल्यू कितनी है? माइनस का 1. तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये टर्म माइनस की हो जाएगी, तो ये निकल कर आ जाएगा स्क्वायर रूट एफ वन माइनस एफ टू का होल स्क्वायर. इससे काटोगे तो हो जाएगा, तो रिजल्टेंट जो आ जाएगा वो आ जाएगा एफ वन माइनस एफ टू ओ आर, और रिजल्टेंट हो जाएगा इन दोनों फोर्सेस का डिफरेंस. तो जो ज्यादा वाला फोर्स होगा नेट जो है ना उसी की डायरेक्शन में आ जाएगा. तो इस तरह से आप सुपर पोजिशन को सॉल्व कर सकते. तो सुपर पोजिशन में तो भाई मैं दिक्कत नहीं आने दूंगा, चाहे न्यूमेरिकल हो कुछ भी हो, दिक्कत नहीं आने दूंगा सुपर पोजिशन में. क्या किसी भी तरह के कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं आने दूंगा अभी तक. अगर आपने सारी वीडियो देखी हो तो भाई जितना कुछ है ना सब कुछ कंप्लीट करता चल रहा हूँ मैं, इतना सभी नहीं छोड़ रहा हूँ, तो आपको दिक्कत तो नहीं आएगी. तो उम्मीद करता हूँ कि आपने भाई ये समझ लिया होगा. 9 पेज में ख़त्म हुआ भाई ये लेक्चर, इतना एक्सप्लेन किया है. तो यहाँ से मैंने आपको डिस्कस कर दिया भाई डायलैक्टिक कांस्टेंट क्या, रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं, इंपॉर्टेंट आईआईटी तक में क्वेश्चन पूछे. दूसरा था आपके पास कंपेयर करो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ग्रेविटेशन फोर्स को, वो भी कर लिया. और लास्ट में था कि फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, और आपने इसको भी कर लिया. तो भाई इसी तरह से बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना हो सके इतना शेयर करें, लाइक ठोकें, ठोक दो लाइक यार जल्दी से, और शेयर कर दें इसको.